किसने कहा कि बेटा बराबर नमाज पढ़ना है? किसने कहा ऐसा? मेरा अब्बू ने। अब्बू माशाल्लाह, अब्बू को सलाम। जी जी, अब्बू को मेरे तरफ से 5,000 रुपए इनाम। ऐसे अब्बुओं की जरूरत है देश को। आपके तरफ से भी 5,000 और आपके तरफ से भी 5,000, माशाल्लाह। और एक सवाल आपसे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इतने 10,000 लोगों के सामने आपको साइकिल इनाम मिला है? ये साइकिल के लिए ना जाने में अब्बू से कितनी दफा रो कर झगड़ कर क्या क्या नहीं किया। कॉलेज में जाने के बाद अब्बू ने साइकिल दिलाया। आपकी उम्र पता नहीं कितने कितने महीने के हो आप? हाँ, कभी ऐसे सवाल भी पूछना चाहिए ना, ताकि आप लोग हंसे। हाँ जी, कितने साल के हो? 7 साल के, माशाल्लाह। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने सुना सवाल जो मैंने पूछा? कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा। अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? नमाज को। अब साइकिल क्या करोगे, बेच दोगे या चलाओगे? चलाओगे। बहुत अच्छे। साइकिल का क्या नाम रखोगे? बोलिए। बुरा। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, वेरी गुड। चले दूसरे करा दे ताकि टाइम जाए ना। जी जी जी, बहुत अच्छा। बराबर नमाज पढ़ना। पहचान का मसला है, खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है।